सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन शिक्षण में आज हिंदी विषय लेकर मैं विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ विद्यार्थी मुझसे जुड़ें और आज जो चर्चा होनी है उसका लाभ उठाएं विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है अरुण यह मधुमय देश हमारा अरुण यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षतिज को जहाँ पहुँच अनजान क्षतिज को मिलता एक सहारा अरुण मधुमय देश हमारा इन सुंदर पंक्तियों से आपका स्वागत करते हुए मैं इन पंक्तियों के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय से आज आपको जोड़ूंगा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसको ग्रहण करें अपने माइंड में लें विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के प्रवर्तक हैं छायाबाद के चार स्तंभों में ये उसके पहले स्तंभ हैं इन्होंने ही छायाबाद युग का प्रवर्तन किया प्रसाद जी का जन्म सन अठारह ईस्वी में काशी में हुआ प्रसिद्ध काशी शंकर की नगरी वहाँ पर इनका जन्म हुआ इनके पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद जी था देवी प्रसाद जी का काशी में बड़ा आदर था मैं आपको बताऊं, अगर हर हर महादेव का नारा काशी नरेश के बाद यदि किसी के लिए लगाया जाता था तो वो थे देवी प्रसाद जी उन्हीं के सुपुत्र थे जयशंकर प्रसाद जी इनके पितामह का नाम शिवरत्न साहू जो सुघनी साहू के नाम से विख्यात थे क्योंकि यहाँ इनके यहाँ तंबाकू का व्यवसाय होता था एक समृद्ध तंबाकू व्यवसायी थे इसीलिए इनका उपनाम नाम सुघनी साहू था वे इनके पितामह थे प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई इन्होंने ही घर पर रहकर हिंदी अंग्रेजी बंगला, उर्दू फारसी संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया और उसमें ये पारंगत हुई प्रसाद जी की मृत्यु 14 नवंबर सन उन्नीस सौ ईस्वी को हुई मैं प्रसाद जी का आपसे साहित्यिक परिचय दूं। प्रसाद जी ने गद्य और पद्य में मिलकर लगभग सड़सठ रचनाएं की इनकी काव्य रचनाओं को मैं आपके सामने रखूं। कामायनी जो इनकी कालजयी कृति है महाकाव्य है नहीं, जो निष्काम कर्मयोग प्रवृत्ति और निवृत्ति पर लिखा गया यह महाकाव्य इनकी अमर कृति है शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त पीकल विखरे हैं हो निरुपाय समन्वय उनका करें समस्त विजयिनी मानवता हो जाए ये कामायनी महाकाव्य की वो पंक्तियाँ जो कर्म योग की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं इनका श्रेष्ठ वीरह काव्य आंसू जो एक अमर रचना है इस करुणाकलित हृदय में अविकल अव रागिनी बजती क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती लहर दूसरी रचना लहर चित्राधार झरना कानन कुसुम प्रेम पथिक आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं प्रसाद जी ने प्रबंधात्मक कविताएं भी लिखी शेर सिंह का शस्त्र समर्पण पेशोला की प्रतिध्वनि प्रलय की छाया अशोक की चिंता आदि मैं प्रसाद जी की गद्य रचनाओं से आपका परिचय कराऊं नाटक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले महान नाटककार प्रसाद जी ने जिन नाटकों का सृजन किया उसमें चंद्रगुप्त प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त प्रसाद जी का जिसका एक गीत प्रयाण गीत है विद्यार्थी इसको पढ़े होंगे नाइन्थ में हिमाद्रि श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो चंद्रगुप्त प्रसाद जी का नाटक स्कंदगुप्त अजात शत्रु जन्मेजय का नाग यज्ञ राज्यश्री प्रायश्चित आदि प्रसाद जी ने नाटक भी लिखे कंकाल लिखा तितली लिखा इरावती जो अपूर्ण है उसे लिखा क्योंकि जैसी मैंने आपसे पूर्व चर्चा की अठारह में जन्म लेने के बाद उन्नीस सौ में निधन हो गया प्रसाद जी को मात्र जीवन के 48 वसंत ही मिले थे इसलिए ये उपन्यास इनका पूर्ण रह गया कहानी संग्रह प्रतिध्वनि छाया आकाशदीप आधी इंद्रजालदी ये कहानियाँ प्रसाद जी महान कहानीकार भी हैं महान कवि हैं महान नाटककार हैं उपन्यासकार हैं और श्रेष्ठ कहानीकार हैं इन्होंने एक निबंध संग्रह भी कला काव्य और कला ये भी इसने, इनकी एक कृति है कवि जी के भाषा सौंदर्य के विषय में आपसे बात करूं कवि प्रसाद जी के काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम दार्शनिकता रस योजना प्रकृति चित्रण मानव की अंत प्रकृति का चित्रण नारी की महत्ता आदि भावों की प्रधानता है वे लिखते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो साहित्य में स्थान कवि प्रसाद जी भाव शिल्प और भाषा की दृष्टि से छायावादी काव्य के युग प्रवर्तक कवि हैं ये भाव और कला अनुभूति और अभिव्यक्ति वस्तु और शिल्प आदि सभी क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन करने वाले महान कवि हैं विद्यार्थियों मैं इन्हीं प्रसाद जी का एक गीत जो इनकी लहर काव्य रचना से है मैं उसको आज आपके समक्ष रखूंगा उस गीत का सार मैं आपके सामने रखूंगा आप इधर ध्यान दें मैंने अभी इससे पहले उनका संक्षिप्त जीवन परिचय दिया उनकी रचनाएं आपके सामने रखी उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला अब मैं उनका जो गीत है वो मैं आपके सामने रख लूँगा गीत का प्रसंग मैं बता दूँ ये गीत ब्रह्म मुहूर्त में गाया जाने वाला गीत है ये एक जागरण गीत है ये जागरण गीत उस समय का है जब काल हो रहा है और नायिका की सखी नायिका को अनेक दृष्टांत देते हुए जो बातें प्रातः काल में हमारे सामने होती हैं उनका दृष्टांत देते हुए उस नायिका की सखी नायिका को जगा रही है आप भी अपने मस्तिष्क में वो दृश्य लाने का प्रयास करो जो प्रातः काल हमें दिखाई देते हैं गीत विहाग राग में गाया जाने वाला गीत है ये राग सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में गाया जाता है शिक्षा के व्यवस्था में मैं इस समय भी आपके सामने गा रहा हूं लेकिन यह गीत सिर्फ और सिर्फ तीन और चार बजे गाया जाता है लहर का गीत बीती विभावरी जागरी बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी बीती विभावरी जागरी खग कुल 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 सा बोल रहा खग कुल 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 सा बोल रहा किस लय आया चल डोल रहा खग कुल 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 सा बोल रहा किस लय आया चल डोल रहा लो यह लतिका भी भर लाई लो य लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गागरी बीती विभावरी जागरी अधरो में राग अमंद पिए अधरो में राग अमंद पिए अलको में मलयज बंद किए तू अब तक सोई हयाली तू अब तक सोई हयाली आंखों में भरे विहागरी बीती बिभावरी जागरी बीती बिभावरी जागरी, बीती बिभावरी, जागरी विभावरी रात्रि नायिका के सखी नायिका से कहती है कि हे सखी रात बीत गई है अब जागो देखो देखिए रूपक अलंकार देखो कैसे रूपक अलंकार अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी अंबर पनघट में रूपक ताराघट में रूपक ऊषा नागरी में रूपक, हे सखी अंबर रूपी पनघट में चतुर ऊषा रूपी स्त्री तारो रूपी घड़ों को डूबो रही है भाव यह है कि तारे अस्त हो रहे हैं प्रातः काल होने वाला है हे सखी जागो देखो एक और दृष्टांत कैसे बता रही है पक्षियों का समूह खग कुल पक्षियों का समूह कुल कुल सा बोल रहा है कलरव कर रहा है पक्षी चहचहा चा, रहे हैं किसले का आंचल भी डोल रहा देखो ये मानवीकरण है मानवीकरण कर दिया किसले क्या है वृक्षों कोमल कोमल पत्ते वृक्षों के कोमल कोमल पत्ते हिल रहे हैं उसको कवि ने मानवीकरण करते हुए बताया कि वृक्ष के आंचल भी डोल रहे हैं वृक्ष की कोपलें भी हिल रही हैं देखो ये लताएं भी अपने अंदर नए रस का गागर भर करके हैं। मधुर गागर भर करके प्रफुल्लित होकर हमारे सामने आ गई हैं प्रातकाल हो गया है सखी जाओ जागो हे सखी ऐसे में तुम अपने होठों के अंदर स्वच्छ राग को धारण किए हुए मृदुल राग को धारण किए हुए अपने बालों में सुगंधित वायु को भरे हुए हे सखी अपने आंखों में खुमारी विहाग विहाग खुमारी आलस को धारण किए हुए तुम अब तक सो रही हो जबकि तुम्हें जानने की आवश्यकता है कि रात बीत चुकी है प्रातःकाल हो गया है हे सखी जागो विद्यार्थियों एक प्रश्न आपके मन में यदि उठता हो कि प्रसाद जी ने साधारण सा जागरण गीत क्यों गाया इतने महान कवि को एक छोटा सा जागरण गीत क्यों गाना पड़ा लहर में जो गीत उनका संग्रहित है बच्चों परतंत्र भारत गुलामी की जंजीरों में झगड़ा हुआ था लोग आलस्य में पढ़कर जागते हुए सो रहे थे ऐसे लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रसाद जी ने यह गीत हम सभी के समक्ष रखा नायिका प्रतीक है आलस में पड़े हुए लोग इस देश के रहने वाले लोग और सखी प्रसाद जी की बात का प्रतिनिधित्व करती है आंखों में खुमारी भरकर आलस्य भरकर अगर हम चलेंगे तो उस अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे उसी बात को सखी नायिका से कह रही है कि हे सखी जागो अर्थात देश के लोगों देशवासियों आलस को त्यागो ये सोने का समय नहीं है जाग करके और अपने उद्देश्य को पूरा करने का समय है धन्यवाद विद्यार्थियों धन्यवाद के बाद एक बात मैं आपके सामने और रख दूं। जब अगले दिन मैं शिक्षण में आऊंगा, तो प्रसाद जी का जो कामायनी महाकाव्य है जो कक्षा बारह के सिलेबस में है उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। आप इतना ग्रह करिए अगले दिन फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद